बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया है। फिर पिछले 20 साल में जो इन्होंने दरख्त काटे हैं लाहौर में, अब जरा देखें लाहौर के लोगों का क्या हाल हुआ है। आलूदगी किधर आसमानों पे पहुंच, किसी ने सोचा ही नहीं कि दरख्त भी लगाने हैं। तो ये पहली हुकूमत है जिसने अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 2.5 अरब। और अगला और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 10 अरब का। अच्छा आप ये सोचें कि पाकिस्तान की दुनिया ने तारीफ किन चीजों पे की है। देखें हम अपनी तो तारीफ करते रहते हैं, पिछली हुकूमतों ने अरबों रुपया हर रोज खर्च करते थे इश्तिहारों पे और मीडिया पे अपनी तारीफें करने के लिए, लेकिन दुनिया ने नहीं तारीफ की। ये वो मुल्क जब अब ये हुकूमत है, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया है। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया में बुरहान आया जो कि कोरोना की वजह से आया। इस 100 साल में ये दुनिया में 100 साल के बाद इतना बड़ा क्राइसिस आया, बुरहान आया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की मानी हुई मैगजीन है जो सारी दुनिया की तज्जिया करती है उनके हालात का, उनकी माईशत का, वो कहती है कि जो मुल्क सबसे बेहतरीन नंबर वन मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना को हैंडल किया, अपने लोगों को भी बचाया उससे, हमारे अस्पतालों के अंदर भी तबाही नहीं मची जिस तरह साथ वाले मुल्कों में हुआ, और अपनी मईशत भी बचा ली, वो नंबर वन पे पाकिस्तान था। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं। फिर जनाब हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं वो बात ही, लोग गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट की, हम नहीं कह रहे। कहने का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आपको यह पूरा एतमाद होना चाहिए कि यह जो आपकी हुकूमत है जिस तरह कोरोना से अब तक आपको बचाया है, जिस मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, जिस तरह हमने एक इदारा बनाया NCOC और सारे मुल्क को इकट्ठा करके फैसले किए, और जिस तरह आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम दुनिया में वो मुल्क हैं जो 100 साल में एक इतना बड़ा बुरहान आता है जो हम सबसे बेहतर निकले, इंशाल्लाह आगे भी अपने मुल्क को ये जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। बाहर से जो चीजें हम लेते हैं सब महंगी हो गई, जो फ्रेट है यानी जो बाहर से चीजें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ सर्दियों तक है, क्योंकि हुआ क्या कोरोना में जब सारा दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन की वजह से यानी जब आपने इकॉनमी बंद कर दी तो वो सप्लाई का मतलब तजारत के अंदर इफेक्ट हो गया, और उससे सारी दुनिया के अंदर मसले पने, चीजें गायब हो गई, खाने पीने की चीजें सब महंगी हो गई। तो ये कभी कभी इतना बुरहान आता है। आप इंशाल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है,
तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं पता नहीं किस चीज से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर, वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज कहे, वो दो मिनट में आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्ज की किस्तें वापस करनी थी इस किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं, वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमने, हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जमीन भी है लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में पहली दफा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, और इंशाल्लाह अगले 10 साल में 10 डैम्स बन रही हैं। 10 डैम्स, ये पहली दफा इस मुल्क की तारीख में आगे का किसी ने सोचा, क्योंकि ये डैम्स 40-40 साल पहले से प्लानिंग इनकी हुई हुई थी। जिस तरह अभी फवाद ने कहा कि ये जो नहर बनी है
ये 1906 में सोचा था नहर बनाने का, तो ये क्यों नहीं सोचा गया कि ये हमारे लिए पानी इतना बड़ा जरूरी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे इलाके पड़े हुए हैं, तो कभी सोचा नहीं इसलिए कि सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचा। इसलिए मुझे फख्र है अपनी टीम पे, अपनी प्लानिंग पे, कि हम आगे का सोच रहे हैं। किसी ने सोचा था पाकिस्तान में दरख्त उगाने का? हमने जब शुरू किया 2013 में दरख्त उगाने के लिए, मजाक उड़ाया गया हमारा। किसी ने, यहां तो दरख्त कटे हैं, जंगलात खत्म कर दिए हमारे। हम बचपन में मैंने अपनी आंखों से ये छांगा मांगा, ये चूनिया, ये कुंदिया का जंगल, चीचावती, ये बड़े बड़े जंगल होते थे, ये अंग्रेज बना के छोड़ के गए थे। हमने वो जंगलों को भी तबाह करके रख दिया। हमने कोई नए जंगल ही नहीं बनाए, हमने नेशनल पार्क नहीं बनाए।